खबर अब उत्तराखंड से, जहां पर आई तबाही का एक महीना पूरा हो गया है। तबाही में जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में आज तर्पण और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के साथ साथ 11 ज्योतिर्लिंगों में भी उनके लिए प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। हर की पौड़ी पर मिलेगा 5,748 लोगों को मोक्ष। एक साथ दी जाएगी सभी मृतकों को महाश्रद्धांजलि। एक महीने पहले केदारधाम में आए आपदा में जो लोग असमय ही मौत के शिकार हुए, उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए हर की पौड़ी पर इसी जगह सामूहिक तर्पण किया जाएगा। एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हरिद्वार में करेंगे, जिसमें सारे राष्ट्र के लोगों, प्रत्येक देश के सभी लोगों को हमने इसमें आमंत्रित किया हुआ है और उन दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए मंदिर समिति और गंगा सभा ने मिलकर के ये कार्यक्रम किया है। श्री गंगा सभा की ओर से आयोजित सामूहिक तर्पण में हरिद्वार के सभी प्रमुख साधु संत शामिल होंगे। इस सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और तमाम नेताओं के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के कुछ नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। सुबह 9 बजे शुरू हो रहा ये तर्पण कार्यक्रम देर शाम शांति सभा के साथ खत्म होगा। हर की पौड़ी पर शांति पाठ और हवन के साथ साथ ब्रह्मकुंड पर मृतकों की मोक्ष के लिए तिल तर्पण किया जाएगा। गायत्री परिवार की ओर से शाम 6:30 बजे विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रार्थना सभा में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। ये प्रार्थना सभा शांति कुंज हरिद्वार के साथ साथ दुनिया भर के गायत्री चेतना केंद्र पर आयोजित की जाएगी। हरिद्वार के साथ साथ देश भर के 11 ज्योतिर्लिंगों पर भी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाना है। केदारधाम में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने सभी दफ्तरों में आज प्रार्थना सभा का आयोजन करने वाली है। केदारधाम में आए मौत के सैलाब में लापता सभी लोगों के लिए कर्मकांड और प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से केदारधाम में 5,748 लोग ही लापता हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 2,096 उत्तर प्रदेश के हैं और 1,035 लोग मध्य प्रदेश के। इसके बाद 924 लोग उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के 620 और महाराष्ट्र के 260 लोग भी लापता हैं। एक महीने बाद इनके जीवित होने की संभावना ना के बराबर है, इसीलिए आज हरिद्वार में इनकी आत्मा की शांति और इन्हें सामूहिक श्रद्धांजलि दी जा रही है। धर्मेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरिद्वार, इंडिया न्यूज।